चाहिए। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी चीज जिसके बिना आपकी गाड़ी, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इसकी, अगर आप कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं भी बाहर जा रहे हो गाड़ी को, हेलो गाइज, एक और वीडियो में आपका स्वागत। और आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे एसेंशियल मेंटेनेंस टिप बताने वाला हूँ जो एक नए ड्राइवर या प्रो ड्राइवर्स को जाना बहुत ज़रूरी है, जिनको फॉलो करके या जिनको यूज़ करके आप अपनी गाड़ी को बहुत स्मूथ और ऑलवेज ऑन द टॉप रख सकते। क्योंकि आज हर के घर में फैमिली कार्स हैं, तो हम अपनी फैमिली कार्स को कैसे एफिशिएंटली और हमेशा स्मूथली रन के लिए प्रिपेयर रख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लूइड्स के लेवल कैसे चेक करने हैं, टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए और बेसिक सारे स्टेप्स जो एक नए और प्रो ड्राइवर्स को पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स यूज़ करके आप अपना समय और हज़ारों पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही कि छोटी छोटी चीज़ें हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, कि जैसे टायर प्रेशर या ऑयल लेवल्स जो होते हैं, हम अगर उनको इग्नोर कर देते हैं जो कि एक बड़े ब्रेकडाउन को लीड करते हैं। आप में से शायद बहुत सारों ने ये भी सुन रखा होगा कि गाड़ी की जो बेसिक स्टेप्स होते हैं कि गाड़ी का तेल पानी हवा पानी जो है वो चेक करना चाहिए। तो सुबह जब भी हम उठते हैं या ट्रिप में जाने से पहले गाड़ी के ऑयल जो फ्लूइड्स के लेवल हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। और ये सारे लेवल्स कहाँ से कैसे चेक करने, कितने होने चाहिए, वो मैं आपको आगे इंजन कंपार्टमेंट में जाके बताता हूँ। और गाड़ी की नॉर्मली सर्विस जो है वो 8-10 हज़ार किलोमीटर्स के बीच में आपको टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। तो गाड़ी का कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है, और जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो ब्रेक ऑयल है, ये देखिए इसका कलर भी इस तरीके से होता है, ये ब्रेक ऑयल है और यहाँ पे एक मैक्सिमम का लेवल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक इसका लेवल जो है वो टॉप अप होना चाहिए, और मिनिमम ये वाला है, यहाँ देखो मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम लिख रखा है। तो ये हर गाड़ी में इस तरीके से मार्क्स यहाँ पे बनाए होते हैं ताकि आप खुद से चेक कर सको, अगर इससे बिलो, अगर मिनिमम से नीचे हैं तो यू नीड टू फिल अप द लेबल, और कौन सा किस तरीके का ऑयल इसमें यूज़ करना है वो भी यहाँ पे रेकमेंड किया रहता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये देखो जैसे सिंबल से भी आपको पता चल रहा है कि ये वाइपर के लिए, वाइपर का जो वाटर होता है उसके लिए इसका का स्टोरेज टैंक यहाँ नीचे प्लेस रहता है। इसको आप फुल रख सकते हैं, इसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल क्रूशियल नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन को लीड करेगी। बट हाँ, वो हमेशा आपकी गाड़ी की रेडीनेस के लिए और इफ़ेक्टिवली आपकी कार को चलाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तभी आप वाइपर चलाओगे, आपकी गाड़ी की विंडशील्ड क्लीन होगी और आप गाड़ी सेफ्टी से अच्छी विजिबिलिटी साथ चला सकते हो। उसके बाद इंजन ऑयल यहाँ, और इसको चेक करने की गेज यहाँ पे रहती है, मैं आपको खोल के बताता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, इसके भी दो डॉट लेवल होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डॉट आपको दिख रहे होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम का। अगर मिनिमम से नीचे जा चुका है तो यू नीड टू गो टू मैकेनिक और सर्विस आपकी गाड़ी की ड्यू हो चुकी है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, अगर आपने हाल फिलहाल ही में सर्विस करवाई है और लेवल कम हो गया है। उसके बाद होता है जब इतनी सारी हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको ठंडा रखने के लिए मैकेनिज्म लगा है, यहाँ पे रेडिएटर लगा होता है और कूलिंग जैकेट होती है जिसके लिए कूलेंट काम करता है। ये तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कूलेंट इंजन ऑयल, सॉरी इंजन का जो कूलेंट है उसके लिए है, और इसका भी फुल और लो लेवल यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए नीचे लो लिखा हुआ है और यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, लेवल भी मेंटेन होने चाहिए। अगर आप कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं भी बाहर जा रहे हो गाड़ी को लेके, तो आपको ये चीज़ें बेसिक स्टेप्स हैं जो चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मिसिंग हैं तो कोई एक छोटी चीज़ जब मिस होगी तो उसकी वजह से बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। उसके बाद रेडिएटर का जो वाटर का टंकी लगी रहती है उसका ये लिड है, यहाँ से आप वाटर डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि कभी भी गाड़ी गर्म हो जाती है, ये सेफ्टी टिप्स है एक आपके लिए, कि जब भी गाड़ी गर्म हो जाती है तो इसको कभी भी यहाँ से खोले ना, मतलब ऐसा मुंह करके ऊपर करके ना खोले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये स्प्लैश आउट हो सकता है और आपके फेस में गिर सकता है। उसके बाद मेंटेनेंस का एक और पार्ट है, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ व्हील्स में ग्राइंडिंग की आवाज़ आती है, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं चढ़ाई में या कभी भी, जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वो एक आपको संकेत होता है कि आपकी गाड़ी के जो शूज़ पैड हैं वो घिस चुके हैं और अब आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको चेंज नहीं करते हैं, लगातार इग्नोर करते जाते हैं, तो जो आप डिस्क प्लेट्स होती हैं या जो डिस्क ड्रम होते हैं वो घिसते रहेंगे
और ये इग्नोर करना आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि फिर आपको डिस्क ड्रम जो है वो चेंज करवाने पड़े। उसके अलावा गाड़ी का जब आप राउंड लेते हैं तो टायर्स की कंडीशन, ट्रेड्स की कंडीशन ज़रूर ऑब्जर्व करें कि कहीं कोई अबनॉर्मल वेयर एंड टेयर तो नहीं। अगर गाड़ी के ऊपर कुछ अनयूजुअल मार्क्स आपको दिखाई देते हैं या घिसावट दिखाई दे रही है एक साइड, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट जो है वो आउट हो चुकी है और आपको उसकी अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी। कुछ टिप्स हैं जो बेसिक टिप्स हैं जो हर नए और पुराने ड्राइवर आई थिंक इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को, तो ये सबको पता होने चाहिए। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी चीज जिसके बिना आपकी गाड़ी चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, और वो है गाड़ी का मेन फ्यूल। जो भी गाड़ी है आपके पास डीजल पेट्रोल है, उस गाड़ी का फ्यूल आपको डलाना बहुत जरूरी है और इसका इंडिकेशन लेवल आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि गाड़ी अगर टैंक की खाली हो जाती है तो उसके टैंक के बीच में एक पंप रहता है जो खाली चलने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो पंप नया डलवाना पड़ सकता है। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे साइंस आते हैं जब गाड़ी को हम इग्निशन ऑन करते हैं, तो अगर चलती हुई गाड़ी में कोई भी ऐसा मार्क्स ऐसा कोई इंडिकेशन आपको आ रहा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करें और गाड़ी को बंद कर दें। अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं होता है तो आप जाके इंडिकेटर के हिसाब से जो सिंबल आपको दिखा रहा है वहां आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर खुद आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं तो गुड एंड वेल, अदरवाइज आप किसी एजेंसी में जाओ या किसी मैकेनिक के पास जाके उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि वो एक इंडिकेशन होता है कि आपकी गाड़ी का कोई ना कोई जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो ऐसे सारे सिग्नल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे सारे सिग्नल को इग्नोर करते हैं और गाड़ी के जबरदस्ती करते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो गाइज यही थे आपकी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।